नमस्कार दोस्तों एंड माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि टिश्यू कल्चर टेक्निक में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन विद द टिश्यू कल्चर, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होता है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे टिश्यू कल्चर टेक्निक आपको दिख रहा है। टिश्यू कल्चर सबसे पहले अपन देखेंगे टिश्यू कल्चर टेक्निक क्या होता है। टिश्यू कल्चर टेक्निक वो टेक्निक है जहाँ पर कोई सेल्स या टिश्यूज या ऑर्गन को प्लांट के डिफरेंट पार्ट से आइसोलेट किया जाता है और उसको एक आर्टिफिशियल सॉलिड या लिक्विड न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया जाता है, और जो ग्रो किया जाता है वो अंडर कम्प्लीटली असेप्टिक कंडीशन में किया जाता है। असेप्टिक कंडीशन मतलब वो कंडीशन जहाँ पे वो कम्प्लीटली फ्री ऑफ कंटामिनेशन है, वहाँ पे बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं रहेगा, ना ही वहाँ पे किसी तरह का डस्ट डेब्रिस या बैक्टीरियल वायरल किसी तरह का कंटामिनेशन नहीं रहेगा। तो ऐसे कंडीशन से जहाँ पे अपन इस तरह के कंडीशंस मेंटेन करके इन प्लांट्स को जब आर्टिफिशियली लिक्विड या सॉलिड न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो करते हैं तो उस टेक्निक को अपन कहते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक। और यहाँ पे डिफरेंट कंडीशंस भी अपन मेंटेन करते हैं, जैसे भी आपको पता है कि लाइट एक फिजिकल पैरामीटर हो गया, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, तो ये सारे कंट्रोल्ड कंडीशंस है जिनको अपन कंट्रोल करके टिश्यू कल्चर टेक्निक करते हैं, या टिश्यू कल्चर को एक आर्टिफिशियल न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो किया जाता है। ठीक है, अभी अपन देखते हैं कि जैसे मैंने आपको बताया था कुछ टर्म्स इसमें यूज़ करते हैं, इसमें कुछ टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि एक्सप्लांट है, टोटिपोटेंसी है, तो ऐसे कुछ वर्ड्स है। अभी इनका मीनिंग अपन जानते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे अब अगर आप देख रहे होंगे तो एक्सप्लांट है, यहाँ पे देखो आप एक्सप्लांट दिख रहा है आपको। सो एक्सप्लांट क्या है? द पार्ट ऑफ प्लांट विच इज़ यूज इन टिश्यू कल्चर इज़ कॉल्ड एक्सप्लांट। तो एक्सप्लांट का मतलब वो होता है कि ये एक प्लांट का पार्ट है, कोई भी पार्ट हो सकता है, जैसे लीफ का पार्ट है या रूट का पार्ट है, कोई स्टेम का पार्ट है, तो कोई भी प्लांट का पार्ट हो सकता है जिसको अपन टिश्यू कल्चर टेक्निक में यूज़ करते हैं और उसको अपन कहते हैं एक्सप्लांट। और ये प्लांट पार्ट अपन यूज़ करके टिश्यू कल्चर टेक्निक के थ्रू एक होल प्लांट बनाते हैं, होल प्लांट में उसको कन्वर्ट करते हैं, और वो जो पार्ट ऑफ द प्लांट अपन ले रहे हैं कोई भी पार्ट से उसको अपन कहते हैं एक्सप्लांट। उसके बाद दूसरा टर्मिनोलॉजी यहाँ पे दिया है टोटिपोटेंसी। अभी टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है? प्लांट टिश्यू कल्चर इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटिपोटेंसी विच इज़ एन इनहेरेंट एबिलिटी ऑफ लिविंग प्लांट सेल टू ग्रो, डिवाइड, रीडिवाइड एंड गिव राइज टू होल प्लांट। इसको अपन कहते हैं टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी का मतलब होता है जो भी प्लांट पार्ट अपन ले रहे हैं डिफरेंट पार्ट से, मे बी लीव से हो सकता है, रूट या स्टेम जैसे मैंने आपको बताया है, तो उसके पास एक सेल डिवीजन की एबिलिटी होना चाहिए ताकि वो ग्रो कर सके, डिवाइड कर सके, रीडिवाइड कर सके और एक नए होल प्लांट में कम्प्लीटली कन्वर्ट हो सके। तो ऐसे प्लांट पार्ट जिसमें सेल डिवीजन की एबिलिटी है, जो डिवाइड कर सके और रीडिवाइड करके एक होल प्लांट दे सके आपको, उसको अपन कहते हैं टोटिपोटेंसी, राइट। और टोटिपोटेंसी जो है, या वी कैन से जो टिश्यू कल्चर टेक्निक है, सबसे पहले ये हेबरलैंड इज़ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर दिस प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक इन 1902, जिनको अपन फादर ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक भी कहा जाता है, राइट। इन्होंने क्या किया है हेबरलैंड ने टिश्यू कल्चर टेक्निक को अडॉप्ट करके एक प्लांट के पार्ट लेके उसको आर्टिफिशियली, जिसको अपन कहते हैं इनविट्रो सेल कल्चर, से उस प्लांट के पार्ट से एक नए प्लांट को कन्वर्ट किया है। मतलब मेरे कहने का मतलब यह है कि इनविट्रो सेल कल्चर, एक आर्टिफिशियल सेल कल्चर टेक्निक यूज़ करके जहाँ पे एक छोटा सा पार्ट लिया है प्लांट का, मे बी लीफ या एनी अदर पार्ट, और उसको उन्होंने होल प्लांट में कन्वर्ट किया है, इसको अपन कहते हैं इनविट्रो सेल कल्चर। और ये सबसे पहले किसने किया है? हेबरलैंड 1902 में। उसके बाद इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो भी टिश्यू कल्चर मीडियम यूज़ करते हैं उस टिश्यू कल्चर मीडियम का कुछ कंपोजिशन होता है। तो कल्चर मीडियम मतलब क्या के लिए यूज़ करते हैं? कल्चरिंग के लिए यूज़ करते हैं, ताकि कोई भी सेल या टिश्यू ऑर्गन जो भी अपन उसमें पोर कर रहे हैं उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो सके। तो ग्रोथ कब होती है? जब उसमें उसको सफिशेंट न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। किस तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं? जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो टिश्यू कल्चर मीडियम जो है वो कई सारे एसेंशियल मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, ग्रोथ हार्मोन्स, विटामिन, ये सभी से बनते हैं। और कल्चर मीडियम बनाने के लिए एक अगार, जिसको सॉलिडिफाइंग एजेंट कहते हैं, खास करके कोई भी मीडियम अपन यूज़ करते हैं कल्चर मीडियम में, ये अगार एज ए सॉलिडिफाइंग एजेंट और कल्चर मीडियम करके अपन यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके साथ में कई सारे उसमें एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स भी ऐड करते हैं जैसे मैंने आपको बताया है। और मोस्ट कॉमनली टिश्यू कल्चर टेक्निक में जो कल्चर मीडिया यूज़ करते हैं उसको अपन कहते हैं मोराशिक एंड स्कूग मीडियम। ये ध्यान में रखो आप, कई बार ये क्वेश्चन आपके नीट में पूछे जाता है या एमएसटी सीटी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि नेम द
मीडियम विच इज़ यूज इन द टिश्यू कल्चर टेक्निक. तो आप ध्यान में रखना कि इस मीडियम को अपन कहते हैं मोरा शीज एंड स्कूग मीडियम. ठीक है, ये हो गया कंपोजिशन के बारे में. तो कंपोजिशन में क्या क्या पढ़ा है, जैसे इसमें इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है, प्रोटीन्स है, उसके अलावा कई सारे ग्रोथ हार्मोन्स है, विटामिन्स है, और इसमें अगर इसे सॉलिडिफाइंग एजेंट अपन यूज़ करते हैं कल्चर मीडिया में, तो ये सारी कंपोजिशन मिला के एक टिश्यू कल्चर मीडियम बनाया जाता है. ठीक है, इसके बाद है टिश्यू कल्चर, टाइप्स ऑफ टिश्यू कल्चर. जैसे मैंने आपको बताया था, टिश्यू कल्चर को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ एक्सप्लांट एंड ऑन द बेसिस ऑफ उसकी इनविट्रो ग्रोथ. अभी एक्सप्लांट के बेसिस पे टिश्यू कल्चर जो है वो तीन इसमें डिवाइड होता है. उनका नाम है सेल कल्चर, ऑर्गन कल्चर और एम्ब्रियो कल्चर. सेल कल्चर मतलब जहाँ पे सेल को आइसोलेट किया जाता है और उसको कल्चर मीडिया में उसको इनोकुलेट करते हैं, फर्दर उसकी ग्रोथ करते हैं, उसको अपन सेल कल्चर कहते हैं. ऑर्गन कल्चर में ऑर्गन एज ए एक्सप्लांट लेते हैं, यहाँ पे ऑर्गन लेते हैं कल्चर मीडिया के लिए. और एम्ब्रियो कल्चर मतलब जहाँ पे एम्ब्रियोज से एम्ब्रियो अपन आइसोलेट करते हैं और उसका कल्चरिंग करके एक नया प्लांट बनाते हैं, उसको अपन एम्ब्रियो कल्चर कहते हैं. वैसे ही इस टिश्यू कल्चर को क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ इनविट्रो ग्रोथ. अभी जो इनविट्रो ग्रोथ है वो दो तरह से किया जाता है. इसमें दो तरह का कल्चर है, एक होता है कैलस कल्चर जो कि कम्प्लीटली सॉलिड मीडिया में इसकी ग्रोथ की जाती है, और एक होता है सस्पेंशन कल्चर जिसकी ग्रोथ जो है लिक्विड मीडियम में किया जाता है. नाम से ही आपको पता चल रहा है कि ये किस तरह के कल्चर है. कैलस कल्चर मेनली ऑन द सॉलिड मीडियम एंड द सस्पेंशन कल्चर द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स इट इज़ ऑन द लिक्विड मीडियम. तो ये आपको ध्यान में रखना है. सो ये ऐसे दो तरह के कल्चर है. उसके बाद अपने को देखना है कि मेंटेनेंस ऑफ असेप्टिक कंडीशंस. अभी इस असेप्टिक कंडीशन के साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि टिश्यू कल्चर टेक्निक परफॉर्म करने के लिए कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स चाहिए अपने को, क्या क्या लगता है अपने को. तो सबसे पहली चीज़ आपको तो पता है कि इसमें ग्लासवेयर्स लगेंगे. खैर अपने को आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी में कोई भी टिश्यू कल्चर टेक्निक अपने को अगर परफॉर्म करना है तो उसमें कुछ इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स है. तो उसमें सबसे पहला रिक्वायरमेंट है जैसे कि ग्लासवेयर आप देख रहे होंगे. उसके बाद है न्यूट्रिएंट मीडियम, उसके बाद अपने को लगेगा एक्स प्लांट, उसके बाद अपने को इंक्यूबेशन चैम्बर लगेगा. तो सबसे पहले बात यह है कि जो भी अपन डिवाइसेस बोलो या मीडियम बोलो, एक्स प्लांट बोलो, जो भी अपन यूज़ करते हैं वो एकदम साफ़ सुथरा होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए, फ्री ऑफ कंटामिनेशन होना चाहिए. तो फ्री ऑफ कंटामिनेशन के लिए अपन क्या करते हैं, स्टरलाइजेशन करते हैं. तो स्टरलाइजेशन एक टेक्निक है जिसके थ्रू अपन ग्लासवेयर्स को या न्यूट्रिएंट मीडियम को या एक्स प्लांट को अपन फ्री ऑफ कंटामिनेशन करते हैं. तो ग्लासवेयर्स को अगर फ्री ऑफ कंटामिनेशन करना है तो इसमें कुछ डिटर्जेंट्स यूज़ करते हैं, राइट. उसके बाद हॉट एयर ओवन यूज़ करते हैं ग्लासवेयर को स्टरलाइज करने के लिए. डिटर्जेंट्स यूज़ करके अपन ग्लासवेयर्स को साफ़ सुथरा रखते हैं. वैसे न्यूट्रिएंट मीडियम है तो न्यूट्रिएंट मीडियम को स्टरलाइज करने के लिए यहाँ पे एक स्टरलाइजिंग इक्विपमेंट जिसका नाम है ऑटोक्लेव, आपको दिख रहा होगा ऑटोक्लेव, ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं जहाँ पे 15 पाउंड्स प्रेशर पर स्क्वायर इंच ये यूज़ करके इस न्यूट्रिएंट मीडियम को स्टरलाइज किया जाता है और इसको 20 मिनट्स तक इसको स्टरलाइज किया जाता है. उसके बाद एक्सप्लांट का भी सरफेस स्टरलाइजेशन किया जाता है जिस जहाँ पे जो भी प्लांट पार्ट्स अपन लेते हैं जिसको अपन एक्सप्लांट कहते हैं उसको आर्टिफिशियली मतलब सुपरफिशियली उसको ट्रीट किया जाता है 20% इथाइल अल्कोहल से या 0.1% मर्क्यूरी क्लोराइड से जिससे एक्सप्लांट स्टरलाइज हो जाता है. उसके बाद इस प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निकली अपन इंक्यूबेशन चैम्बर यूज़ करते हैं. इंक्यूबेशन चैम्बर आपको पता है, इंक्यूबेशन चैम्बर जिसको अपन लैमिनार एयर फ्लो कहते हैं जिसमें यूवी रेज होते हैं या यूवी लाइट होता है. सो उसमें ये यूवी लाइट्स यूज़ करके अपन प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया आपका रिक्वायरमेंट्स एंड असेप्टिक कंडीशन, हाउ टू मेंटेन द असेप्टिक कंडीशंस. उसके अलावा अदर कंडीशंस भी है, जैसे कि अदर कंडीशन में क्या करते हैं. अदर कंडीशन में आपको पता है कि टेम्परेचर मेंटेन करते हैं. टेम्परेचर जहाँ पे 18-20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जाता है टिश्यू कल्चर टेक्निक के लिए. उसके बाद पीएच ऑफ मीडियम जो है वो 5-5.8 होना चाहिए. इसमें एरेशन भी है, उसमें ऑक्सीजन भी आप लोग को सप्लाई करना होता है. ऑक्सीजन का भी कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से, खास करके मैं आपको एक बात बता दूं कि एरेशन जो है खास करके सस्पेंशन कल्चर के लिए होता है. आपने देखा है कि इन्विट्रो कल्चर में दो तरह के कल्चर है, एक कैलस कल्चर है और एक सस्पेंशन कल्चर है, राइट. सस्पेंशन कल्चर है तो सस्पेंशन कल्चर के लिए एरेशन लगता है. सस्पेंशन मतलब जहाँ पे पानी है और पानी में आपके आइसोलेटेड सेल्स है या वीकेंड से सेल्स है तो उसमें डिजोल्व ऑक्सीजन चाहिए होता है उस कल्चर को जिंदा रखने के लिए या वायबल रखने के लिए. ठीक है, तो कैलस कल्चर में उतना एरेशन नहीं लगता है लेकिन सस्पेंशन कल्चर में एरेशन चाहिए होता है उन सेल्स को लाइव रखने के लिए.
तो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि डिफरेंस क्या होता है कैलस कल्चर और सस्पेंशन कल्चर में। कैलस कल्चर जो है इसको सॉलिड मीडियम में ग्रो किया जाता है, राइट। और सस्पेंशन कल्चर जो है यहाँ पे जो भी ग्रुप ऑफ सेल्स या सिंगल सेल्स होते हैं जिसको अपन एक्सप्लांट करके यूज़ करते हैं उसको लिक्विड मीडियम में अपन रखते हैं, लिक्विड मीडियम के अंदर उसकी ग्रो करते हैं। और सस्पेंशन कल्चर में एक डिफरेंस मैंने आपको बताया था कि सस्पेंशन कल्चर में सेल्स को वायबल करने के लिए या उनको ज़िंदा रखने के लिए अपन उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं या डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए होता है, और कंटिन्यूसली उसमें स्टरिंग की रिक्वायरमेंट होती है ना। सो जब स्टरिंग प्रॉपर होगा तो सेल जो है वो आइसोलेटेड फॉर्म में उसमें रहेंगे। इसमें और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बोथ द कैलस एंड सस्पेंशन कल्चर्स डाई इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कैलस और सस्पेंशन कल्चर जो है कुछ समय के बाद वो दोनों के दोनों सेल्स डेथ हो जाती है, उन दोनों सेल्स की डेथ हो जाती है, वो जिंदा नहीं रह पाती है। इसलिए जब भी कैलस का सस्पेंशन कल्चर बनाते हैं अपन तो उसका सब कल्चरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो सब कल्चरिंग से क्या होगा, एक फ्रेश कल्चर बनेगा और फ्रेश कल्चर से वो सेल जिंदा रहेगा, वाहेबल रह पाएगा। तो इंटरमीडियंटली जब भी अपन कैलस या सस्पेंशन कल्चर बनाते हैं तो उसको फ्रेश मीडियम में अपन उसको ट्रांसफ़र करते हैं आइसोलेटेड सेल्स को, और वहाँ से एक सब कल्चरिंग बना के उसको अपन ज़िंदा रखते हैं। तो इस तरह से अपन सस्पेंशन और कैलस कल्चर बनाते हैं। तो आप देख रहे होंगे जो कैलस का और एक इम्पोर्टेंस मैं आपको बताना चाहूँगा, इसमें कैलस कल्चर जब प्रिपेयर करते हैं तो उसमें एजिटेशन की ज़रूरत नहीं होती है, मतलब उसमें स्टरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन ये सस्पेंशन कल्चर है तो उसमें एजिटेशन की ज़रूरत होती है, क्योंकि सस्पेंशन कल्चर में सेल्स को आइसोलेटेड फॉर्म में मेंटेन करना होता है, इसलिए उसमें स्टरिंग की ज़रूरत होती है। लेकिन कैलस कल्चर में एज सच जो भी डिफ्रेंशिएशन होता है सेल्स का, वो अनडिफ्रेंशिएटेड मास ऑफ सेल करके बना होता है, उसी मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल्स को कैलस कहते हैं। अभी आप मुझे पूछ सकते हो कि ये सर मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल क्या होता है। मास ऑफ अनडिफ्रेंशिएटेड सेल मतलब ये होता है जहाँ पे सेल्स का जो है कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है, वहाँ पे ये सेल से जो भी मास बनता है वो मास जो है वो डिसऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, जिसको कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर नहीं होता है, जिसको अपन कैलस कहते हैं। और कैलस से अपन ऑर्गेनोजेनेसिस कर सकते हैं, मतलब ऑर्गन का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो कैलस से अपन रूट का भी जेनेसिस कर सकते हैं, रूट का भी फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिसको अपन राइजोजेनेसिस कहते हैं। शूट का भी अपन जेनेसिस कर सकते हैं, जिसको अपन कॉलोजेनेसिस कहते हैं, है ना। तो और एक बात यहाँ पे ये है कि राइजोजेनेसिस करना है कि कॉलोजेनेसिस करना है, ये किसके ऊपर डिपेंड है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द ग्रोथ हार्मोन्स, किस तरह के ग्रोथ हार्मोन्स उस कल्चर मीडिया में आप सप्लाई करते हो उसके बेसिस पे ये राइजोजेनेसिस और कॉलोजेनेसिस फॉर्म करते हैं। जैसे प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स आपको पता है ऑक्सिन से, साइटोकाइन से है, गिबरेलिन से, ये जो प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स है इनका कॉन्सेंट्रेशन कम ज़्यादा करके आप रूट का फॉर्मेशन और शूट का फॉर्मेशन मेंटेन कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया आपका कैलस और सस्पेंशन कल्चर के बारे में। उसके बाद लास्ट में दिया है फ्लो चार्ट, जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि स्टेप्स कौन से इन्वॉल्व होते हैं इस टिश्यू कल्चर टेक्निक में, राइट। तो आप इसमें देख रहे होंगे, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं टिश्यू कल्चर टेक्निक में, जो भी ग्लास वेयर्स अपन यूज़ करते हैं या इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं उनको सबसे पहले क्लीन करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर ग्लास वेयर्स को अपन यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले ग्लास वेयर्स को क्लीन किया जाता है डिटर्जेंट से, राइट। डिटर्जेंट से अपन यूज़ करते हैं, उसके बाद वाटर से अच्छे से वॉश किया जाता है, राइट। और जो इंस्ट्रूमेंट्स अपन यूज़ करते हैं वो खास करके ओवन होता है, जैसे हॉट एयर ओवन है, ऑटोक्लेव है, ये स्टरलाइजिंग डिवाइसेस है, इंस्ट्रूमेंट्स है जिसके थ्रू अपन स्टरलाइजेशन करते हैं। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड स्टेप अपने को न्यूट्रिएंट मीडियम प्रिपेयर करना है, जिसको अपन एमएस मीडियम कहते हैं, राइट। जिसमें अलग अलग कंपोजिशन है, प्रोटीन्स का है, फैट्स का है, कार्बोहाइड्रेट्स का है, अगार है, तो कई सारे कंटेंट्स है जिनके साथ में अपन यहाँ पे एमएस मीडियम बनाते हैं, जिसका नाम मोराशिग स्कूग मीडियम है, राइट। उस अभी मीडियम बन गया, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मीडियम का स्टरलाइजेशन करना है। कौन सा डिवाइसेस यूज़ करते हैं अपन, ऑटोक्लेव यूज़ करते हैं यहाँ पे। कौन से प्रेशर पे रखते हैं, 15 पाउंड्स पर स्क्वायर इंच। कितने मिनट्स के लिए रखते हैं, 20 मिनट्स के लिए रखते हैं। सो 15 पाउंड स्क्वायर इंच और 20 मिनट्स रख के अपन उस मीडियम को स्टरलाइज करते हैं ऑटोक्लेव में। ये हो गया थर्ड पॉइंट। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, फोर्थ पॉइंट में, अभी मीडियम प्रिपेयर है अपना, अभी मीडियम में क्या करना है अपने को, जो प्लांट पार्ट अपन लेंगे जिसको अपन एक्सप्लांट कहते हैं, उसे एक्सप्लांट को उसे मीडियम में इनोकुलेट करना है।
तो नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट यही है कि अपने को प्लांट मटेरियल जैसे कि एक्स प्लांट प्रिपेयर करना है, जो कि अपन आइसोलेट करते हैं डिफरेंट प्लांट से और उसको अच्छे से सरफेस स्टरलाइज करना है। जैसे मैंने आपको बताया था एक्स प्लांट के सरफेस स्टरलाइजेशन के लिए अपन क्या यूज़ करते हैं, जैसे इथाइल अल्कोहल है, राइट, देन मर्क्यूरी क्लोराइड है। तो ये केमिकल एजेंट्स यूज़ करके अपन उसे एक्स प्लांट का सरफेस स्टरलाइजेशन करते हैं और बाद में वाटर से अच्छे से उसको वॉश करते हैं ताकि जो भी एजेंट्स अपन ने यूज़ किया है, केमिकल्स यूज़ किया है, वो अच्छे से वॉश आउट हो सके, राइट। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या दिया है, इनोकुलेशन ऑफ एक्स प्लांट इन द कल्चर फ्लास्क कंटेनिंग स्टरलाइज न्यूट्रिएंट मीडियम, राइट। इसके बाद जो भी एक्सप्लांट अपन ने सरफेस स्टरलाइजेशन करके रखा है, उस एक्सप्लांट को लेना है और उसका इनोकुलेशन करना है। इनोकुलेशन मतलब कल्चर मीडियम में उसको पोर करके रखना है, इसको अपन कहेंगे इनोकुलेशन। सो ये पॉइंट है कि एक्सप्लांट को आइसोलेट करना है और उसको कल्चर मीडियम में इनोकुलेट करके रखना है। इजी क्लियर। अभी इसके बाद क्या करना होगा, जो भी आपने कल्चर मीडिया में इनोकुलेट करके रखा है, अभी उस कल्चर मीडियम जिसमें एक्सप्लांट है उसका अपने को इंक्यूबेशन करना है, जिसको अपन इंक्यूबेशन चेंबर कहते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट इज सेम एग्जैक्टली, इंक्यूबेशन ऑफ द इनोकुलेटेड एक्सप्लांट, जहाँ पे सेल्स का अपन ग्रो करते हैं, उसका प्रोलीफरेशन होता है जिससे कैलस बनता है, और कैलस जो है अराउंड वो 2 से 3 वीक्स में कम्प्लीटली बन के रेडी हो जाता है, राइट। उसके बाद जैसे ही कैलस बनता है, तो मैंने आपको बताया कि कैलस में सेल्स जो है लॉन्ग टाइम तक जिंदा नहीं रहते हैं, तो उसके लिए अपने को सब कल्चरिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट एग्जैक्टली यही है कि उसका अपन सब कल्चरिंग करेंगे कैलस का, राइट। इफ़ कैलस इज टू बी मेंटेन फॉर लॉन्ग पीरियड, कैलस इज डिवाइडेड इंटू थ्री टू फोर सेगमेंट्स एंड देन ट्रांसफर टू फ्रेश कल्चर मीडियम। जस्ट एग्जैक्टली सेड राइट नाउ, मैंने आपको बताया है कि सब कल्चरिंग करना है। क्यों करना है? क्योंकि सब कल्चरिंग करेंगे फ्रेश मीडिया में ताकि उसमें जितने भी सेल्स है वो सेल्स फ्रेशली बना रहे और वो वायबल रहे, राइट। उसकी डेथ तो इतनी जल्दी होना नहीं चाहिए, इसलिए अपन सब कल्चरिंग करते हैं, राइट। तो जैसे ही सब कल्चरिंग करेंगे, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि जब इंक्यूबेशन करेंगे है, इंक्यूबेशन के बाद कैलस से अपन ने सब कल्चरिंग किया है, तो फॉर एग्जांपल अगर एक मेन कल्चर मीडिया है तो उसमें से अपन ने एक से अपन ने 10 सब कल्चरिंग किया है या 100 सब कल्चरिंग किया है, तो हर सब कल्चरिंग को जब अपन इंक्यूबेट करेंगे तो उसमें ऑर्गन का जेनेसिस होगा, जिसको अपन कहेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस। मतलब उसमें इनिशिएट होगा रूटिंग और शूटिंग का, या तो रूट का फॉर्मेशन होगा या शूट का फॉर्मेशन होगा। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि रूट का फॉर्मेशन या शूट का फॉर्मेशन किसके ऊपर डिपेंड है, द डिपेंड्स ऑन द एडिशन ऑफ द प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स, राइट। जिसको उसका कॉन्सेंट्रेशन मेंटेन करके अपन रूट फॉर्मेशन या शूट फॉर्मेशन कर सकते हैं, जिससे एक नया प्लांटलेट बनता है, राइट। ये हो गया आपका। उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या दिया है, प्लांटलेट्स जो भी बनते हैं, एक छोटे से एक्सप्लांट लेके अपन ने टिश्यू कल्चर में ट्रांसफ़र किया है, उसको इंक्यूबेट किया है, इंक्यूबेट करने के बाद ऑर्गेनोजेनेसिस हुआ है, ऑर्गेनोजेनेसिस में जिसे रूट फॉर्मेशन या शूट फॉर्मेशन हुआ है, तो रूट फॉर्मेशन या शूट फॉर्मेशन हुआ है जिसको अपन कहते हैं प्लांटलेट्स। अभी प्लांटलेट्स को फाइनली अपने को ट्रांसफ़र करना है पॉलीथीन बैग्स में, है ना। पॉलीथीन बैग्स में क्या रहेगा, स्टरलाइज सॉइल रहेगा, उस सॉइल के अंदर में आपको ये प्लांटलेट्स को रखना है। जैसे आपको पता है कि नर्सरी में जो छोटे छोटे प्लांट्स मिलते हैं वो किस तरह से मिलते हैं, पॉलीथीन बैग होती है, उसके अंदर में मिट्टी होता है, और मिट्टी के अंदर में ये प्लांटलेट्स रखी जाती है। तो सिमिलरली उसी तरह से अपने को ये जो प्लांटलेट्स बनती है यहाँ पे, प्लांटलेट्स को उस पॉलीथीन बैग्स में ट्रांसफ़र करना होता है जिसमें सॉइल है, और उसको कंट्रोल्ड कंडीशन में रखा जाता है, वो जैसे कि लो लाइट और हाई ह्यूमिड कंडीशंस फॉर सुटेबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए रखा जाता है। और तो कुछ दिनों के बाद जो भी प्लांटलेट्स जो है जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे, देन उसको एक्चुअल फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो आपको ये भी पता होगा, नर्सरी का एक एग्जांपल देके मैं आपको बता सकता हूँ कि नर्सरी में आपको पता है कि जो प्लांट्स ग्रो करते हैं, इनिशियली वो सीडलिंग्स लेते होंगे, सीड्स वगैरह, सीड से एक छोटा सा पौधा निकलता है ना। तो पौधा निकलने के बाद क्या करते हैं, तो अपन जब नर्सरी जाते हैं तो वो पौधे अपन लेके आते हैं और उसको एक्चुअल फील्ड में ट्रांसफ़र करते हैं। तो एग्जैक्टली इसी तरह से प्लांट टिश्यू कल्चर में भी ऐसा ही होता है कि सबसे पहले उसमें एक्स प्लांट लेते हैं अपन डिफरेंट प्लांट पार्ट्स से, देन उसको कल्चर मीडिया में इनोकुलेट करते हैं, उसके बाद उसका इंक्यूबेशन किया जाता है सफिशिएंट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिससे कैलस बनता है। देन कैलस का अपने को क्या करना होता है, सब कल्चरिंग करना होता है ताकि फ्रेश मीडियम बन सके या फ्रेश कल्चर्स बन सके। उसके बाद फ्रेश कल्चर्स बनने के बाद अपन उसका क्या करते हैं, फ्रेश सब कल्चरिंग करने के बाद अपन क्या करते हैं, सब कल्चरिंग से जितने भी सब कल्चर्स अपन बनाते हैं उनका इंक्यूबेशन करते हैं, जिससे ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, रूट या शूट सिस्टम का फॉर्मेशन होता है, और उससे फर्दर प्लांटलेट्स बनती है, और उस प्लांटलेट्स को अपन ट्रांसफ़र करते हैं एक्चुअल फील्ड में। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्टेप्स विच आर इन्वॉल्व इन द टिश्यू कल्चर टेक्निक।
तो मुझे ऐसा लगता है कि सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आया होगा ये, एंड आई थैंक यू वेरी मच एंड दैट्स इट अबाउट द प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक. थैंक यू ऑल.